उस्मानी बहरिया के कमांडर खैरुद्दीन बारबरोस की शख्सियत किताबों तक ही महदूद रही, जिसे बुला दिया गया और जहालत की नजर कर दिया गया। अगर आप सुर्ख दाढ़ी, एक आंख और लकड़ी के पांव के साथ बारबरोसा के बारे में पूछें, तो आप उसे हॉलीवुड की फिल्मों में एक समंदरी डाकू की रूप में पाएंगे, जिसे जालिमाना और खूनी अंदाज में दिखाया गया। ताहम हकीकत ये है कि खैरुद्दीन बारबरोस दफन शुदा खजाने या डूबे हुए जहाज के लालच में समंदर नहीं गया था, बल्कि उसकी बजाय उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी, और वो कीमती चीज मजलूम मुसलमानों को बचाना और उन दुश्मनों से लड़ना जो दिन रात इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। लेकिन अब हमें हॉलीवुड की इस जाली दुनिया में देखने की जरूरत नहीं, जहां मुसलमानों की तारीख को मसख करके पेश किया जाता है, क्योंकि अब हमारे पास उन मुसलमानों की तारीख टीवी शोज में सामने आ रही हैं, जिनकी बहादुरी की दास्तानें इतनी ज्यादा हैं कि जिन्हें लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते कई साल लग जाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ मगरबी मीडिया की यलगार के जवाब में तुर्की ने 2014 में अर्तुगरल गाजी से एक नए दौर की बुनियाद डाली, जिसने टीवी की तारीख में एक नया बाब रकम किया। और मुसलमान तो मुसलमान, ये ड्रामा गैर मुस्लिमों के पसंदीदा ड्रामों की लिस्ट में भी पहले नंबर पर हो गया, जिसके बाद फिलेंटा मुस्तफ़ा, सुल्तान अब्दुल हमीद, यूनस एमरे, कोरोलस उस्मान, अजीम सलजो, मोहम्मद जलालुद्दीन, महमद कोतल अमार और इन जैसे कई और तारीखी ड्रामों ने मगरबी मीडिया का कल्चर पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह 90 की दिहाई में हर रात 8 बजे पाकिस्तानी ड्रामों का इंतज़ार रहता था, तो इसी तरह अब हर हफ्ते इन इस्लामी तारीखी ड्रामों के नए किस्त का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इन तारीखी ड्रामों में एक और सीरीज का भी इजाफा होने वाला है, जिसके रिलीज का इंतजार हर पाकिस्तानी को है और जिसकी बड़ी वजह देरिलिस अर्तुगरल ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार एंगन आल्तान हैं, जो इस नए सीरीज बारबरोसा में भी नजर आएंगे। इस सीरीज को प्रोड्यूस करने वाले वही हैं जिन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज को प्रोड्यूस किया था, और ये सीरीज तुर्की के चैनल TRT पर पेश की जाएगी। इस सीरीज में एंगन आल्तान बारबरोसा के बड़े भाई उरूज रईस के रूप में नजर आएंगे, और बारबरोसा का किरदार तुर्की के एक और मशहूर अदाकार ओल्स्टोना आस्तपे अदा कर रहे हैं। और बिलाशुबा ये सीरीज तुर्क टीवी की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसकी कहानी 15वीं सदी ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया के चार भाइयों के गिर्द घूमती है, जिनके नाम उरूज, खिजर, इलियास और इसहाक थे। उनमें उरूज सबसे बड़ा था, और ये चारों भाई आमदनी के इवज बहरी जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे, क्योंकि उस वक्त बहरी जहाज के मालिकान को हर वक्त समंदरी लुटेरों का डर रहता, और इसीलिए उस काम के लिए हर कोई उन्हीं चार भाइयों की खिदमात लेता। और यही वजह थी कि वो चारों भाई इतने ताकतवर हो गए कि बहरिय रोम के कई जजीरों पर काबिज हो गए थे, और फिर उन भाइयों में उरूज और खिजर सल्तनत उस्मानिया के सबसे काबिल और बेहतरीन समंदरी फौज के सिपा सालार बन गए थे, जिनके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। बारबरोसा का असल नाम खिजर बिन याकूब था, और उनका उर्फी नाम खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा उनको उनके बड़े भाई उरूज रईस की वजह से मिला था। वो यूनानी जजीरे लेस्बोस में पैदा हुआ था, और उनके वालिद उस्मानी फौज जानिसारी का हिस्सा थे, जो अपनी ताकत और सख्ती के लिए जाने जाते थे। 2003 में हॉलीवुड ने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें कुछ ड्रामों और मजाहिया क्लिप्स के साथ खजाने की तलाश में कजाकों और उनके माबेन जंगों की कहानियां बयान की गई थी। उस फिल्म ने $4 अरब से ज्यादा की आमदनी हासिल की, और हमारी अरब दुनिया में बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ की। लेकिन बदकिस्मती से हॉलीवुड ने पूरी तारीख में एक अजीम मुसलमान मलाह की तस्वीर को मसख कर दिया, और उससे भी ज्यादा बदकिस्मती कि यह पहली बार नहीं था कि हॉलीवुड ने बहादुर मुसलमान रहनुमाओं को मसख कर दिया। उस फिल्म में सुर्ख दाढ़ी वाले और एक बंदर को हर वक्त अपने कंधे पर बिठाने वाले शख्स के शॉट्स मंजरे आम पर आए थे, और उस फिल्म में उसे एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया था जो शराब का आदी था और खजाने और पैसा चोरी करके रहता था। वो किरदार विलन होने की वजह से मशहूर था, और फिल्म में उसका नाम बारबरोसा था। बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोगों को बारबरोसा के बारे में नहीं मालूम, सिवाय इसके कि उन्होंने फिल्म में क्या देखा था।
और ये अपने आप में उस मसख शुदा तस्वीर से भी ज्यादा तकलीफ देह है जिसका सामना उस अजीम हीरो ने किया था। लेकिन आज हम जान गए हैं कि बारबारोसा कौन है और इस नई सीरीज से उनके बारे में और ज्यादा तफसीलात जानने को मिलेगी। खैरुद्दीन बारबारोस वो शख्स था जिन्होंने 70,000 मुसलमानों को बचाया। खैरुद्दीन बारबारोसा मशरिक वस्ता के तमाम पानियों का मुहाफिज था और जो मुसलमानों की तारीख का एक अहम तरीन रहनुमा था। इस नए सीरीज की शूटिंग अप्रैल 2021 में शुरू हो चुकी है और अब जबकि अजीम सलजोक का पहला सीजन खत्म हो चुका है और कोरोलस उस्मान का दूसरा सीजन भी इख्तिताम के करीब है तो ऐसे में बारबारोसा सीरीज हम सबको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इस सीरीज के डायरेक्टर का ताल्लुक मिस्र से है जिनका नाम अदील अदीब है और जिन्होंने अपने काम की बदौलत कई अवार्ड्स जीते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के तमाम एक्शन सीन्स को फिल्माने का काम उन लोगों के सुपर्द किया गया है जिन्होंने इससे पहले वाइकिंग्स, ब्लैक सेल्स और होमलैंड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। तो इतनी बड़ी कास्ट और टीम की वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सीरीज एक हिट सीरीज साबित होने वाली है। ये सीरीज सितंबर 2021 के पहले हफ्ते में रिलीज हो जाएगी जिसकी तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी है। उम्मीद है कि बारबारोस सीरीज सबसे मजबूत सीरीज होगी और वो दुनिया में पहले नंबर पर होगी।